आगरा प्रीलिट पब्लिक स्कूल दयालबाग के प्रांगण में उदयन केयर के आगरा अध्याय के तृतीय प्रेरण समारोह का आयोजन किया गया। आगरा में इस वर्ष 30 लड़कियां उदयन केयर के उदयन शालिनी फेलोशिप परिवार का हिस्सा बनी हैं। संस्था की ओर से प्रत्येक छात्रा को शैक्षिकी कार्यों हेतु 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है, जो उनके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के बाद अतिथिगणों का प्रकृति की अमूल्य धरोहर नवाकुट प्रदान कर स्वागत किया गया। संस्था की संस्थापक प्रबंध ट्रस्टी डॉक्टर किरण मोदी ने गर्मजोशी के साथ उदयन केयर संस्था का सभी से परिचय कराया। डॉक्टर किरण मोदी ने डॉक्टर सुशील गुप्ता का सहृदय आभार व्यक्त किया। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टर गुप्ता किसी भी तरह की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके लिए पूरा उदयन परिवार उनका आभारी है। उन्होंने सभी शालिनी बालिकाओं को हर मुश्किल का सामना कर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात आकांक्षी व अंशिका ने सभी गणमान्य व्यक्तियों व समस्त शालिनियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती आरुषि मिश्रा भारतीय वन सेवा ने उदयन केयर के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि छात्राओं को अर्जुन की भांति अपने उद्देश्य की ओर एकाग्रचित रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उदयन एक प्रेरणा स्रोत है, जो कठिनाइयों को ही अपनी ताकत बनाकर नारी शक्ति को निखार रहा है। मेरा नाम आरुषि मिश्रा है, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हूँ 2020 बैच की। अभी मैं डायरेक्टर नेशनल चंबल सेंचुरी के तौर पे पोस्टेड हूँ आगरा में। तो ये एक बहुत अच्छा इवेंट था जो कि प्रेल्यूड पब्लिक स्कूल ने कराया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि आज जो इंडक्शन सेरेमनी हुई है, ये इनकी थर्ड इंडक्शन सेरेमनी है। इनके 77 बच्चों को, छोटी बच्चियों को इन्होंने गोद ले रखा है और आज 30 नई बच्चियाँ जो है जिनको गोद लेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात जो है, ये स्कूल फाइनेंशियली भी और एजुकेशनली भी और सोशली तीनों तरीके से मदद करने की कोशिश करता है। तो जैसे उन बच्चों को, इनका जो प्रोग्राम है उनको शालिनी बनाने का कार्यक्रम है। शालिनी मतलब थोड़े पढ़े लिखे, डिग्निफाइड और अपने पैरों पर खड़ा होने वाले एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करने की कोशिश करेंगे जो अपने लिए खड़ा हो सके, समाज के लिए खड़ा हो सके और देश को आगे बढ़ाए। ये हमारे देश की सरकार की, हमारे केंद्र सरकार की, हमारी राज्य सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल रही है हमेशा से, कि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए। आज हम देख रहे हैं भारत देश के बेटियां हर जिले में हर एरिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो उसी के तहत जो अभी जैसे आपका महिला आरक्षण बिल था जो कि पास हुआ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था जिससे हम नारी सशक्तिकरण होगा, आगे बढ़ेंगे। और ये है कि जहाँ पे महिलाओं की आवाज नहीं उठ पाती थी या शायद आवाज नीचे दबी रह जाती थी, वो खुल के सामने आएगी। तो